रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भगोसा पाडल के ग्रामीणों की दर्जनों बीघा फसल जलकर खाक, बहुमुश्किल ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गोवर्धन क्षेत्र के गांव भरोसा पाडल गांव के किसानों की दर्जनों बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आसपास गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बहुमुश्किल आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने नुकसान का मुआयना कर मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। वहीं खेतों के बीचों बीच खड़ी दिल्ली नंबर कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। किसान सोहनलाल और नेत्रराम ने बताया कि बरसाना रोड भरतपुर फीडर के पास भगोसा और पाडल गांव के किसानों की खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिसमें चतुर्भुज पुत्र रघुनंदन सोहनलाल, नथी राधाचरण पुत्र छिया, शुगर पुत्र गिरवर, मेगा पुत्र सोहनलाल, मोहनलाल आदि के किसानों की दर्जनों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। कैलाश चंद्र दीक्षित ने बताया कि गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग करीब 1 बजे लग गई। वहीं पास में गेहूं की कटाई कर रहे किसानों की चीख पुकार सुन भगोसा पाडल ओमनगर नीमगांव मंडोरा पलसों के सैकड़ों ग्रामीण आनन फानन में दौड़कर आए। उन्होंने बमुश्किल से करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, तहसीलदार पछन प्रकाश पाठक, सीओ रविकांत पाराशर, प्रभारी प्रदीप कुमार ने पहुंचकर आग नुकसान का मुआयना किया। वहीं भाजपा व सपा नेता भी मौके पर पहुंच गए। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने रोड पर लकड़ी डालकर आग जाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने समझाकर जाम नहीं लगने दिया, नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का मुआयना कर मुआवजा दिलाया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली है मंजू? ये आग लगी आपके खेत है? मेरे खेत है ये सब। तो लगभग क्या कारण थे इसमें, कैसे आग लगी कुछ पता है? पता नहीं है। कितना खेत, कितने टोटल कितनी फसल जल गई होगी? टोटल सबरी पजर गई 60 बीघा, 60-70 बीघा। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन या कोई नहीं है? यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी को फोन किया? ये 3 घंटे पीछे फोन किया है, किसी ने फोन कर रहे हैं, पता नहीं, फोन उठाते नहीं है, लगी नहीं रहे फोन, कभी उठाते नहीं है, कहते हैं नाम कहाँ है, भगोसा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। आपकी सारी फसल जलकर खाक हो गई? सर सारी फसल जल गई, ये दिख नहीं रही है आपको? कैसे लगी है इसका कुछ पता लगा? पता नहीं है कुछ। सबदेव जी कहाँ के रहने वाले हो आप? पलसों के रहने वाले। भैया जो आग लगी क्या कारण रहे आपके? भाई हमें तो कुछ नहीं पता है किस कारण से लगी। थोड़े से अंगूर भी मिले हैं यहाँ पे, वो भी मिली है, बियर वियर वगैरह वगैरह मिली है यहाँ पे। कार कैसे चली है नहीं मालूम, कैसे चली है। लगभग कितने यहाँ पे कितने फसल में आग लगी हुई, कितना एकड़ रकबा हुआ है? 50 बीघा जमीन कम से कम, कम से कम। ये आपको दिख रहा है ना, कैमरा घुमाइए ना आप उधर की साइड में देखिए ना। तो आपने पुलिस वगैरह किसी को फोन किया था, फायर ब्रिगेड वगैरह? सर हमको कम से कम 2 घंटे हो गए, हमने फायर ब्रिगेड के लिए फोन किए हुए, अभी तक कोई सुध नहीं लिया उन्होंने हमारे। पुलिस वगैरह को फोन किया? नहीं कोई पुलिस नहीं आई अभी पुलिस के लिए, तो मैंने तो किया।